Hello friends, welcome to PsArt. I am Leena Jain. For learning Photoshop from basics to advanced, please subscribe to this channel and press the bell icon to get daily videos. आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक अ वुडकट फ्रॉम इमेज. तो चलिए शुरू करते हैं. यहाँ पे मैंने ये इमेज ले रखी है और ये इमेज ले रखी है. अब मैं मूव टूल सेलेक्ट करूंगी यहाँ से और ओल्ड की को होल्ड करते हुए इसे ड्रैग करूंगी और इस टैब में होल्ड करूंगी और यहाँ पे ड्रॉप करूंगी. अब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी प्रेस करूंगी और इसे एडजस्ट कर लूंगी. मैं इसे सेंटर में रख रही हूं. अब यहां पे क्लिक कर दूंगी. अब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए जय प्रेस करूंगी. इसकी डुप्लीकेट लेयर बनानी है, इसलिए ये डुप्लीकेट लेयर बन गई. एक और बनानी है तो इसके लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए जय प्रेस करूंगी एक बार और. अब यहाँ पे आपको कंफर्म करना है कि ये बैकग्राउंड कलर आपका व्हाइट है और फोरग्राउंड कलर ब्लैक है. अगर आपके नहीं है तो आपको डी प्रेस करना है तो ये बाय डिफॉल्ट कलर जो है ब्लैक एंड व्हाइट वो आ जाएगा. अब फिल्टर मेन्यू में जाऊंगी और फिल्टर गैलरी के अंदर जाना है आपको. इसके अंदर स्केच के अंदर फोटो कॉपी, इस पर क्लिक करना है. अब आपको डिटेल पूरा बढ़ानी है 24 और डार्कनेस 50 ही रखनी है. अब ओके पे क्लिक करूंगी. अब ये दूसरी लेयर में सेलेक्ट करूंगी, लेयर वन कॉपी. अब वापस फिल्टर मेन्यू में जाऊंगी, फिल्टर गैलरी के अंदर यहाँ पे आपको डिटेल कम करनी, इतनी करनी है कि एज अच्छे से दिखे. 6 ठीक है, मैं 6 रहने दे रही हूँ. डार्कनेस 50 रहने देनी है आपको. अब ओके पे क्लिक करूंगी मैं. अब लेयर वन कॉपी टू को एक्टिव करना है. यहाँ पे मैं मास्क ऐड करूंगी. इसकी जो ब्लैक बाउंड्रीज है वो मैं हटाना चाहती हूँ, तो इसके लिए यहाँ पे आपको फोरग्राउंड कलर ब्लैक रखना है और ब्रश टूल सेलेक्ट करना है. यहाँ से ब्लेंड मोड नॉर्मल ही रखना है, ओपेसिटी 100% और ब्रश साइज मैं 40 कर देती हूँ. अब यहाँ पे घुमा दूंगी मैं. ये घुमा दिया. अब इसकी आईज पे घुमा दूंगी थोड़ा ताकि क्लियर हो जाए और यहां पे घुमा दूंगी थोड़ा. ये ताकि यहां पे जो पार्ट्स है वो थोड़े क्लियर दिखे. अब इन दोनों लेयर को मर्ज करना है. इसके लिए लेयर मेन्यू में जाऊंगी और मर्ज डाउन कर दूंगी. इसका शॉर्टकट की कंट्रोल ई है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों मर्ज हो गई लेयर. अब सेलेक्ट मेन्यू में जाऊंगी और कलर रेंज पे क्लिक करूंगी. यहाँ पे आपको शेडो सेलेक्ट करना है. यहाँ पे सेलेक्शन ही रहने देना है आपको. तो आप देख सकते हैं इसमें जो शेडो पार्ट है वो सेलेक्ट हो गया. अब न्यू लेयर क्रिएट करूंगी यहाँ से. अब आपको बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक रखना है. इसके लिए यहाँ पे क्लिक करूंगी मैं. अब यहाँ पे इस लेयर को मैं ऑफ कर दूंगी, लेयर वन कॉपी जो है. अब लेयर टू को एक्टिव रखना है जो अभी मैंने क्रिएट किया. अब कंट्रोल की को होल्ड करते हुए डिलीट प्रेस करूंगी. अब मुझे इसे डीसेलेक्ट करना है. इसके लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए डी प्रेस करूंगी. तो ये डीसेलेक्ट हो गया, आप देख सकते हैं. अब इसका ब्लेंड मोड चेंज करूंगी, अभी नॉर्मल है. सॉफ्ट लाइट कर दूंगी. अब इसे थोड़ा और शार्प बनाने के लिए मैं डुप्लीकेट लेयर बनाऊंगी लेयर टू की. तो कंट्रोल की को होल्ड करते हुए जय प्रेस करूंगी. आप देख सकते हैं ये थोड़ा डार्क दिख रहा है. इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगी मैं लेयर टू कॉपी जो है, 40% कर देती हूँ. अब लेयर टू पे क्लिक करूंगी मैं. अब राइट क्लिक करूंगी यहाँ पे और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाऊंगी. यहाँ पे बेवल एंड एम्बोज पे क्लिक करना है. अब स्टाइल इनर बेवल ही रखनी, टेक्निक स्मूथ रखना है, डेप्थ 100% ही रखना है. डायरेक्शन डाउन कर दूंगी मैं और साइज इसकी 5 ही रहने दे रही हूँ. एंगल 120 डिग्री. और यहाँ पे हाईलाइट मोड जो है वो चेंज करना है, लीनियर डोज करना है आपको. और ओपेसिटी इसकी 50% कर दूंगी. और शेडो मोड जो है इसे लीनियर बन रखना है आपको. और ओपेसिटी इसकी भी मैं
50% कर दूंगी। अब ओके पे क्लिक करूंगी। अब जैसे आपको इसमें से कुछ इरेज करना है, जहां पे आपको ज्यादा लग रहा हो कुछ, तो आपको इरेजर टूल सेलेक्ट करना है यहाँ से और यहाँ पे घुमाना है। जैसे यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो मैं यहाँ घुमा दूंगी ये। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। सो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर अ न्यू विजिटर देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।